गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम फैक्टर्स बना रहे थे। फैक्टर्स क्या थे हम जो कर रहे थे? हमने 12 के फैक्टर्स बनाए थे बेटा, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। तो अब हम क्या करेंगे, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96। फैक्टर्स बनाएंगे बेटा, किसके बनाएंगे? 96 के। मैंने क्या कहा था कि 1 सबका फैक्टर है, हर एक नंबर का फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 96। 96 के फैक्टर बना रहे हैं तो 96 को 1 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 96। ठीक है, 1 और वो नंबर अपने आप जो है हर एक का फैक्टर होता है। अब 96 को 2 से डिवाइड करो बेटा, यहाँ पर 96 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 1 6, 2 8 जा 16, कितना बच गया? 0 बच गया। तो यानी कि 96 2 से डिवाइड हो जाता है, 96 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 48, इस तरह से लिखा। अब 96 को 3 से डिवाइड करो बेटा, 96 को 3 से किया, 3 3 जा 9, 6 3 2 जा 6, 0 0 बच गया। यानी कि 96 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करो कितना आ गया, 32 आ गया। फिर 96 को 4 से करो, 24 आ गया। फिर 96 को बेटा 5 से करो, यहाँ पर 96 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 4 6, 5 9 जा 45, 1 बच गया। यानी कि 96 5 से डिवाइड नहीं होता। फिर 96 को 6 से डिवाइड करो, 96 को 7 से करोगे डिवाइड नहीं होता बेटा। फिर 96 को 8 से करो, 12 आ गया। फिर 9 से डिवाइड नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 से होता है बेटा। लेकिन 12 देखो, मैंने कहा था कोई भी नंबर इस लाइन में रिपीट नहीं होना चाहिए, इन टू लाइंस में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 12 हमारे पास पहले से ही है, इसका मतलब हमारे फैक्टर्स जो है कंप्लीट हो गए हैं बेटा। तो हमारे फैक्टर्स क्या हुए, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। और इन्हें हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ये देखो यहाँ से लिख रही हूँ बेटा मैं, 6 8, फिर क्या है 8 के बाद, इधर आ जाओ इस तरह टर्न कर जाओ, 12 16 24 12 16 24 32 48 और 96, ये सारे जो है फैक्टर्स हो गए 96 के। अब हम फैक्टर्स बनाते हैं 45 के। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल टू, 45 को 1 से डिवाइड कर दो, 45, फिर 45 को बेटा 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 0 5 ले लिया, 2 2 जा 4 और 1 बच गया, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर 45 को 3 से करो, 45 को 3 से किया, नीचे 0 बचा, कितना आ गया, 15। 4 से करोगे डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से करो, 45 को 5 से किया, कितना आ गया, 9 आ गया। 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा, 9 से होगा, लेकिन 9 हमारे पास पहले से है, है? यानी कि हमारे फैक्टर्स कंप्लीट, हमारे ये फैक्टर्स बने। कौन कौन से बेटा, 1 3 5, फिर 9 15 और 45, ये हमारे 45 के फैक्टर्स बने। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बेटा आप ये थर्ड सम सारा का सारा जो है कंप्लीट सभी के फैक्टर्स बनाओगे। ठीक है बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जूम क्लास पर बेटा मेरे से शेयर कर लेना। ठीक है बेटा, ओके बेटा।